जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2020 के दैनिक राशिफल की। जानेंगे आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे। 25 अप्रैल के दिन आप थोड़ा सा निराशा का अनुभव कर सकते हैं, जब आपको लगेगा कि आप चीजों को उस प्रकार से अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर चीजों को उस प्रकार से मोड़ नहीं पा रहे हैं जिस प्रकार से आप उन्हें मोड़ना चाहते थे, बदलना चाहते थे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके फोकस में कुछ कमियां हैं और आप अपने निर्णय को अपने ऊपर सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं। आप दूसरों पर तो चाहते हैं कि वो लागू हों, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। इन डिसिप्लिन आप बहुत ज्यादा रखते हैं अपने मन के अंदर और इन्हें इन डिसिप्लिन की वजह से चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जाती हैं। आपको आवश्यकता है तो अपने रूटीन को थोड़ा डिसिप्लिन बनाने की। जितना ज्यादा नियमों के अंतर्गत आप अपने रूटीन को लेकर आएंगे, चीजें उतना ही ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव होंगी। ये सोचना बंद कर दीजिए कि चीजों को आप अचीव नहीं कर सकते, बल्कि पॉजिटिव वे में ये सोचना शुरू करिए कि आप कितनी जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हैं। 26 अप्रैल के दिन कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आपकी आजीविका से जुड़ा कोई समाचार आपको मिल सकता है जो आपको हर्ष और उल्लास से भर दे। और कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपको काफी समय से रही हो और वो आपके जीवन में घटित हो जाए। इस दिन मित्र या किसी रिश्तेदार से आपको किसी प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के लोगों के सम्मान के प्रति आपके द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है और सराहनीय का पात्र भी है। 27 अप्रैल के दिन आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। जब भी आपके यश में वृद्धि होनी शुरू हो तो लोगों को धन्यवाद दें, लेकिन अहंकार में ना आएं। आप अहंकारी दिखने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको चाहिए कि आप अपने निकट किसी ऐसे व्यक्ति को रखें जो आपको बता सके कि आपके अंदर अहंकार पनपना शुरू हो गया है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इसके लिए मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें कि आप अपने अहंकार को स्वतः ही पहचानना सीख जाएं। इसके अलावा आपको चाहिए आप लोगों से मृदुल बने रहें, सामान्य व्यवहार रखते रहें, प्रेम पूर्ण व्यवहार रखते रहें, ये आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है। 28 अप्रैल के दिन आपकी धार्मिक भावनाएं थोड़ी सी बढ़ी चढ़ी रहेंगी। आप धार्मिक ग्रंथों सहित उनका अध्ययन करने के प्रति प्रेरित रहेंगे। इन सबके अलावा आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, अगाध श्रद्धा में वृद्धि होगी और आप अपने ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना अपना कर्तव्य भी मानेंगे। इस दिन ऐसा हो सकता है कि परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के द्वारा सुझाई गई बातों को आप याद करें या उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर आप चलने की कोशिश करें। कुल मिलाकर चारों दिन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन चारों अच्छे दिनों में से 25 अप्रैल प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, बाकी तीनों दिन प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।